हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैंडकरचीफ स्टाइल्स ड्रेस। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो स्पेशल थैंक यू मैं मेनका यादव और वीरा की दुनिया को कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे कॉमेंट करने के लिए, मुझे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। So now let's get started। तो सबसे पहले हम ड्रेस की बॉडी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने फैब्रिक को दो बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम हाइट मेजर करेंगे। तो ऊपर हमें स्ट्रैप लगाना है 4 इंच का। तो 4 इंच छोड़ते हुए हम अपनी हाइट मेजर करेंगे। तो इस हिसाब से हमने 15 इंच हाइट लिया है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे मेरी टोटल हाइट रहेगी बॉडी की 14 इंच, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी जो मेरा मार्जिन में लगेगा। उस हिसाब से मैंने 15 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। उसके बाद ऊपर की ओर हम अपना चेस्ट पर्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट पर्स है आपको 4 से डिवाइड करना होगा और 1/2 इंच का लूजिंग रखना होगा। तो मेरे केस में 8.5 इंच आता है, तो मैंने 8.5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। उसके बाद फोल्डर साइड से हमने 2 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। फिर वहीं से हम ऊपर की ओर 5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और साइड में चेस्ट की तरफ हमने अगेन 2 इंच का पॉइंट मार्क किया है और इस तरीके से एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बॉटम पे हम अपना कमर का मेजर लेंगे। तो आपकी जितनी भी कमर है आपको 4 से डिवाइड करना होगा और मैंने यहाँ 1/2 इंच की लूजिंग रखा है। फिर चेस्ट पर्स और कमर का पॉइंट हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन देते हुए और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे साइड में जो सिलाई में जाएगा और इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट में और कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपको 2 फैब्रिक मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट, एक होगा आपका बैक। दोनों को 1 above the other रखते हुए आपको सिंपली अपनी साइड को सी लेना होगा और ऊपर के जितने भी रॉयचेस है उसे डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल ओवर कर लिया है, साइड भी सी लिया है, ऊपर के रॉयचेस भी सी लिया है। अब हमें ऊपर स्ट्रैप लगाना है। तो स्ट्रैप लगाने के लिए मैंने 2 पट्टी क्रिएट कर लिया है, उसे 2 बार फोल्ड करते हुए सी लिया है इस तरीके से। अब आपको 1 स्ट्रैप लेना होगा और इस तरीके से अटैच कर लेना होगा और दूसरा जो एंड है उसे बैक साइड पर अटैच करना होगा। इस तरीके से आपको स्ट्रैप अटैच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ स्ट्रैप अटैच कर लिया है ऊपर और ये मेरी बॉडी तैयार है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा सबसे पहले फैब्रिक को हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, उसके बाद ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे। जैसे आप हैंडकरचीफ फोल्ड करते हैं स्क्वायर स्टाइल में, उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना होगा, लेकिन फैब्रिक आपको दोनों साइड सेम लेना होगा। जैसे लेंथ वाइज आपका अगर 20 इंच होगा तो ब्रेथ वाइज भी 20 इंच होगा। तो दोनों साइड का जो लंबाई है फैब्रिक की वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका जितना भी वेस्ट साइज है उसको आपको 6.28 से डिवाइड कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ वेस्ट साइज है 28, मैंने 6.28 से डिवाइड किया तो मेरा आता है 4.4। तो कॉर्नर एज से ऑल अराउंड मैंने 4.4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है और ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से नीचे का घेरा मिलेगा। अब हमें इस पे बॉडीज अटैच करना है। अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बॉडी को इस तरीके से प्लेस करेंगे, किनारे से शुरू करेंगे। एक हिस्सा बॉडी का पकड़ेंगे, एक हिस्सा घेरे का पकड़ेंगे और राउंड में इसे सी लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बॉडीज अटैच कर लिया है और मेरा ड्रेस तैयार है। ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको भी मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।